नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीएस एजुकेशन हब। में इन दिस वीडियो अर्थमेटिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि रेगुलर बेसिस पे वन बाय अल्टरनेटिव डेज पे एक दिन नंबर सीरीज, एक दिन अर्थमेटिक मैथ्स के क्वेश्चंस, एक दिन रॉन्ग नंबर सीरीज, एक दिन अर्थमेटिक मैथ्स के क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे। अगर आप रेगुलर मेरे को फॉलो करते हैं तो आपको यकीनन पता होगा, अगर नहीं है तो 100% फॉलो करते रहिए, 100% आपको पता चल जाएगा। अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो कि मैसेज के अनुसार अकॉर्डिंग टू यू जो कि सर अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है एग्जाम्स में, जो कि एग्जाम्स में बैठते वक्त अर्थमेटिक मैथ के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशंस नहीं हो पाते। तो उसी के बेस पर मैं नंबर सीरीज एक सीरीज टाइप्स पार्ट चालू कर चुका हूँ। लगभग पार्ट वन मेरा लगभग 40 से 50 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, ये पार्ट टू आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, इसमें देखिएगा क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कोई भी एग्जाम्स हो लाइक दैट, SBI PO का हो, चाहे LIC का हो, चाहे RRB JEE की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, इनके लिए अर्थमेटिक मैथ्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैथ इंपॉर्टेंट है। एंड CHSLs एंड CGLs कोई भी एग्जाम्स हो, FCI का एग्जाम्स हो, चाहे अभी IDBI की वैकेंसी निकली उसका एग्जाम्स हो, उसके हर एग्जाम्स के लिए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अटेंड करते हैं। ओके, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द सेशन। एंड बिफोर दैट, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माई चैनल्स तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। लेट्स बिगिन द सेशंस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल्स क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन हैं, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल्स क्वेश्चन है, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई 3 pipes A, B, and C 8 hours में। एक टैंक है जिसका नाम ए कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 8 hours में भरते हैं। ए बी सी 3 pipe है जो कि 8 hours में तीनों पाइप भर देते हैं। पाइप्स वर ओपन से 2 hours, 2 hours के लिए ओपन रखा जाता है, यानी कि 2 hours के लिए पाइप को ओपन रखा जाता है, तीनों पाइप को। ओके, एंड देन सी पाइप वॉज क्लोज, एंड सी बाद में सी को क्लोज्ड कर दिया जाता है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन से याद रखिएगा, लैंग्वेज आप समझ जाइए, रीडिंग आपके समझ में जाइए, 100% क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड देन ए एंड बी फिल्ड द रिमेनिंग टैंक्स इन 12 hours, यानी कि 12 hours में रिमेनिंग टैंक फिल कर देते हैं ए और बी। फाइंड द टाइम्स टेकन बाई पी, यानी टाइम पूछा, टेकन बाई सी अलोन, यानी कि सी कितने घंटे में अकेले टैंक को भरेगा जो कि ए टैंक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए, ए प्लस बी प्लस सी राइट, ये बढ़ते हैं टैंक को 8 hours में, यानी कि 8 hours में भरते हैं तीनों जने 8 hours में, लेकिन दो घंटे ही ओपन रहता है पाइप तीनों, तो यानी 2/8 pipe 2/8। ओके, तो इसका मतलब इसके फ्रैक्शंस लिख दीजिए, एकदम छोटे रूप में लिखिए, 1/4 राइट, 1/4 पाइप तीनों मिलकर भर देते हैं, लेकिन बाद में ए एंड बी फिल्ड कर रहे हैं द रिमेनिंग पार्ट, इतना पार्ट भर गया, लेकिन उसके बाद सी को क्लोज कर देते हैं। देखिए सी को क्लोज, रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग देखिए वन अपन पूरा मानते हैं, 1 - 1/4 = 3/4 राइट, 3/4 रहा रिमेनिंग अपने बच गया 3/4। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको, 3/4 रिमेनिंग रहा, जिसको ए और बी भरते हैं 12 hours में, यानी कि = 12 hours। याद है कि 12 hours ये लिख देता हूँ यहाँ, ए प्लस बी, ताकि आपको अच्छे से समझ पाए, ए प्लस बी 12 hours में। अब देखिए टोटल्स कितने में पाइप भर गया, यानी कि 3 से 4 times 4 4 4 1/16, यानी कि 1/16 ए प्लस बी के द्वारा भरा जाता है, ए 1/16, ओके 1/16 यहाँ से, ओके 1/16। एंड देन ए प्लस बी, और ए प्लस बी प्लस सी अपने दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी अपन लेस कर देते हैं, इसमें से ए 1/16 लेस कर देते हैं, तो अपने में सी का पाइप आ जाएगा, सी कितने हार्स में अकेले पाइप फिल करेगा। देखिए ए प्लस बी 8 hours, यानी कि 2/8 किया था अपन ने, तो एक घंटे में कितना पाइप भरेगा, 1/8 राइट, 1/8 एक घंटे में
1/8 एक घंटे में, यहाँ लिख देता हूँ 1 आवर्स, ओके 1 आवर्स, तो 1/8 माइनस 1/16 ए प्लस बी का, ए प्लस बी का 1 आवर्स में आया ही, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का 1/8, ए प्लस बी, ए प्लस बी 1/16, तो 1/8 माइनस 1/16 इज इक्वल टू अपने एलसीएम 16, 16 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/16, यानी कि 16 इज द करेक्ट आंसर, 16 आवर्स में सी अकेले, सी का सी ऑप्शन देखिए, सी का पूछा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल गेट इट वेरी वेल, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि ऐसे क्वेश्चंस वो भी देख सकें, अच्छे से जान सकें, ओके। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो 100% कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशंस वीडियो के माध्यम से चाहे कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इस टाइप से ये क्वेश्चंस, इस टाइप से ये, कोई भी कोई डाउट हो तो वो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, ओके। सेकंड देखिए, अच्छा क्वेश्चन से, ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय, ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय, एक एक वर्क है ए, कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 डेज, पी और क्यू 12 डेज में, देखिए साथ साथ लिखते जाइए, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 डेज, राइट, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, क्यू एंड आर 15 डेज में, क्यू एंड आर इज इक्वल टू 15 डेज में, राइट, एंड डेज, एंड बाय आर एंड पी इन 20 डेज, राइट, एंड आर एंड वी बाय 20 डेज, आर एंड पी बाय 20 डेज, आर एंड पी, ओके राइट, आर एंड बी 20 डेज। अब देखिए वह पूछा क्या है, हाउ मैनी डेज पी अलोन, यानी कि पी अकेला कितने दिन में करेगा, पी अकेला पूछा है, कैन दे फिनिश द वर्क, पी अकेला देखिए काम टोटल्स वर्क हो गया अपने 60, एलसीएम लिया 20 दिया 60, ओके, एंड 12 5 60, 15 4 60, एंड 3 23 60, यानी कि 9 3 12, 12 टोटल वर्क, एक दिन में कह लीजिए, या एक दिन में 12 hours, 12 days, 12 यूनिट बनाते हैं सारे मिलकर, तो इसकी इनफिशियंसी इतनी आ गई। अब देखिए आपको पता ही होगा, टू अपन ए 1/1 निकालना है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, ओके बराबर 12 days, तो दिन में करते हैं, तो पी पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6 days, ओके, टू से 12 times, टू से 6 times 12 रहेगा, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6, ओके। अब देखिए एक चीज में जिस हिसाब से सॉल्यूशंस होता है वेरी इजी लेवल पे, उसी हिसाब से सॉल्यूशंस कर रहा हूँ। देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6 days, यानी कि क्यू प्लस आर, अपन देख लीजिए क्यू प्लस आर, यहाँ की पी नहीं, यहाँ 4 है, तो 4 - 6 बराबर 2, पी की वैल्यू 2, अब पी की वैल्यू 2 आ गई, तो पी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, तो आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू पी क्यू में रखिए, देखिए 2 आ गई, तो पी क्यू की वैल्यू 3 एंड 6 टोटल ही है, 6 टोटल, तो आर यानी कि 1, ओके। आई होप आपको समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो 100% कमेंट कर दीजिएगा। देखिए 2 + 3 + 1, अब पी की इफिशियंसी 2 आ गई, अब पूछा क्या, पी अलोन, यानी कि पी की इफिशियंसी सिंगल्स में 2 है, पूरा ऑल डे 60 डेज है, तो देखिए 60 डेज पी का पूछा है, पी का पूछा है 60 डेज, 60 टोटल वर्क है, और 2 डेज इफिशियंसी है, तो यानी कि 30 डेज, ओके 30 डेज, 30 डेज इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, 30 डेज बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे वीडियो में हमेशा अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टाइप के क्वेश्चन, बहुत इजी लेवल वाले क्वेश्चन, हलवा टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, चाहे लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं कोई भी हलवा टाइप क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 28 hours, सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ओके ये फॉर्मूला है, ही कवर्स अ डिस्टेंस फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी ऑफ हिज जर्नी इन 15 किलोमीटर, देखिए डिस्टेंस अपन डी मानते हैं, डिस्टेंस 15 किलोमीटर, राइट, एंड देन प्लस एंड सेकेंड हाफ, एक फर्स्ट हाफ अपने डी माना, सेकेंड हाफ अपने 2D एक तरह से पूरा मान लीजिए, सेकेंड हाफ 20 किलोमीटर, यानी कि डी अपॉन 20 किलोमीटर्स,
सूत्र आपको बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर इज इक्वल टू टाइम। टाइम अपने दे रखा है 28 हर्ट्ज़। ये देखिए क्वेश्चंस के पढ़ते पढ़ते साथ ही सॉल्यूशंस हो गया। ओके, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, यानी कि टोटल डिस्टेंस यानी कि डी प्लस डी, टू डी, टू डी की वैल्यू अपने को पूछी है। ओके, गुणा नहीं करनी है डी की, यानी कि इन दोनों की जोड़ भी नहीं, जोड़ भी एक तरह से गुणा नहीं करनी है दो से, यानी कि टू डी की वैल्यू पूछी है अपने को। अब देखिए सॉल्यूशंस करते हैं, सॉल्यूशंस आ गए इसका 60 एलसीएम, यानी कि 4D प्लस 3D इज इक्वल टू 28। 4D है, याद रखिए 4D ना कि 40, 4D है, 4D, 7D, 60 इज इक्वल टू 28। ओके, 4 टाइम्स यानी कि 60 इंटू 4, डी बराबर 60 इंटू 4 इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस अपॉन आ गया अपने 240 किलोमीटर में ही पूछा है, किलोमीटर ही है ना, कोई वो मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने वाला कोई फॉर्मूला नहीं, किलोमीटर में ही दे रखा सारा ही कुछ, और प्रति हार्स में देगा तो किलोमीटर में पूछा है तो अपने 240 किलोमीटर। ओके, 240 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। याद रखिएगा आरआरबी जीए की जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की जीए की प्रिपरेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, देखिए फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक टाइप से टाइम कंज्यूमिंग भी, अगर आपको ना समझ में आए। देखिए ए बी सी 853, देन ए बटा बी जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से वापस देखिए, ए बटा बी यानी कि ए 8 है, 8 और b 5 है, बिल्कुल सही है। अपन रेशियो उतार लेते हैं, b अपॉन c यानी कि b 5 है और 3। ओके, एंड देन 3, एंड देन c अपॉन 3 है अपॉन 8, उसी हिसाब से इज इक्वल टू, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा, रेशियो किस टाइप से होगा। देखिए एलसीएम लीजिए इन तीनों का, 5 और 3 और 8, यानी कि 8 2 16, 8 3 एलसीएम्स इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, सीधा एलसीएम्स आएगा। देखिए 140 आया, 120 आया ना, तो देखिए 5 से 120 कितने टाइम, 5 2 जा 10 और 24 इंटू 8 अपने को आंसर देखना है, 24 इंटू 8। ओके, 5 से 24 24 टाइम्स इंटू 8, 2 और 24 इंटू 8 टाइम्स। ओके, इंटू 2 और 3 है थे, एंड 70 182 है ना, 192। ओके, 24 8 192, बिल्कुल सही है, 192 प्लस और 3 टाइम्स 40 और 40 इंटू 5 यानी कि 200 प्लस 200, एंड ये 8 टाइम्स 8 2 जा 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 15 8 120, 15 3 45 यानी कि ये आंसर आना चाहिए 192 200 और 45। दिस इज द नो, दिस इज ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 192 200 एंड 45 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन में अगर मेरा भी क्वेश्चन सॉल्यूशन रॉन्ग है या कैलकुलेशन थोड़ी, ये कंप्यूटर पे थोड़ा स्क्रीन कंप्यूटर पे थोड़ा टाइप करने में थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपको, तो इसी कारण थोड़ा सा एक तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अभी कोई भी डाउट हो तो 100% कमेंट कीजिएगा, 100% आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, याद रखिएगा लाइक ही मेरा मोटिवेशन से अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना सकता हूँ। टाइप करने में लगभग करीबन 2 से 3 हार्ट्स टाइम लग सकता है टाइप और करने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल।
जय हिंद, वंदे मातरम।